जन वल्लभ गिरिवर धारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन यमुना तीरा वन जय राधा माधव कुंज हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय क्रमांक 22 श्लोक क्रमांक 51। फलं ब्रह्मणि सन्यास फलं ब्रह्मणि सन्यस्य निर्विसंग समाहितः कर्माद्याक्षं च मन्नवान आत्मानं प्रकृते परम् फलं ब्रह्मणि सन्यस्य निर्विसंग समाहितः कर्माध्यक्षं च मन्वान आत्मानं प्रकृते परम् फलं ब्रह्मणि सन्यस्य निर्विसंग समाहितः कर्माध्यक्षं च मन्वान
काम्यानाम कर्मणाम न्यसम मानम प्रकृते परम फलम परिणाम परिणाम फल ब्रह्मणे परम सत्य में संन्यस्या त्याग कर अर्पित करके निर्विसंग दूषित हुए बिना समाहितः पूर्णतया समर्पित कर्म कर्म अध्यक्षम अधीक्षक च तथा मनवान सदैव चिंतन करते हुए आत्मानम परमात्मा के विषय में प्रकृते भौतिक प्रकृति का परम अतीत परे अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद महाराज पुत्र ने अपने आप को प्रकृति के प्रकृति से परे श्री भगवान के शाश्वत दास के रूप में समर्पित कर दिया था। फल स्वरूप उनके कर्मों के सारे फल भगवान को समर्पित थे। वे अपने आप को सदैव सर्वेश्वर श्री भगवान के दास के रूप में समझते रहे। तात्पर्य श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में महाराज पृथु का जीवन कर्मयोग का सुंदर उदाहरण था उदाहरण है। कर्मयोग का व्यवहार प्राय भगवद्गीता में हुआ है और यहाँ पर महाराज पृथु इसका प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि वास्तव में कर्मयोग क्या है। कर्मयोग के समुचित पालन की पहली आवश्यकता यहाँ पर दी गई है। फलम ब्रह्मणि संन्यस्य अथवा विन्यस्य मनुष्य को अपने कर्मों का फल परब्रह्म कृष्ण पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य वास्तव में संन्यास आश्रम में स्थित हो जाता है। जैसे कि भगवद्गीता में कहा गया है 18वें अध्याय के दूसरे श्लोक में अपने कर्मों के फल को श्री भगवान को अर्पित कर देना ही संन्यास है। काम्यानाम कर्मणाम संन्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणः। बुद्धिमान समस्त कर्म फलों के छोड़ने को त्याग कहते हैं और उस अवस्था को विद्वान संन्यास कहते हैं। यद्यपि पृथु महाराज
गृहस्थ जीवन बिता रहे थे, किंतु वास्तव में वे संन्यास आश्रम में थे। अगले श्लोक से यह स्पष्ट हो जाएगा। निर्विषंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाराज पृथु अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त न थे। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य जो कुछ संचित करता है या जिसके लिए कार्य करता है, उसका स्वामी बनने की सदैव सोचते रहता है। जब कोई अपने कर्मों के फल को भगवान की सेवा में लगा देता है, तो वास्तव में वह कर्म योग का अभ्यास करता होता है। प्रत्येक व्यक्ति कर्म योग का अभ्यास कर सकता है, किंतु गृहस्थों के लिए यह विशेषतः सुगम है, क्योंकि वे भगवान के श्री विग्रह को घर में स्थापित करके भक्ति योग के विधियों से उसकी पूजा कर सकते हैं। इस विधि के 9 अंग होते हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवा, श्री विग्रह की पूजा, प्रार्थना, आज्ञा पालन, सका के रूप में कृष्ण की सेवा तथा उन्हें ही सर्वस्व अर्पण। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्यम, आत्मनिवेदनम। कर्मयोग तथा भक्ति योग की इन विधियों को सारे संसार में प्रसारित करने का कार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ कर रहा है। इन विधियों को कोई भी इसे संघ के सदस्यों के उदाहरण के अनुस्मरण से सीख सकता है। घर में, मंदिर में श्री विग्रह को प्रत्येक वस्तु का स्वामी और प्रत्येक व्यक्ति को श्री विग्रह का दास माना जाता है। भगवान दिव्य हैं, क्योंकि वे इस सृष्टि के अंग नहीं हैं। इस श्लोक में प्रकृते परम शब्द का इसलिए प्रयोग हुआ है क्योंकि इस संसार में प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति भगवान की बहिरंग शक्ति से हुई है, किंतु भगवान स्वयं इस शक्ति से उत्पन्न नहीं है। भगवान सारी सृष्टि के परम अधीक्षक हैं, जिसका जैसे कि भगवद्गीता में पुष्टि हुआ है: मैया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, हे प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है और समस्त चराचर जीवों को उत्पन्न करती है, और इसी के आदेश से इस जगत का बारंबार सृजन एवं संहार होता है। पदार्थ की आश्चर्यजनक अन्योन्य क्रिया से जितने भी भौतिक परिवर्तन होते हैं तथा भौतिक प्रगति होती है, वह श्री भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में होती है। संसार में जितनी घटनाएं घटती है, वे अंधाधुंधी नहीं घटती है। यदि कोई श्री कृष्ण का दास बना रहता है और उनकी सेवा में सब कुछ लगा देता है, तो वह अपने जीवन काल में ही जीवन मुक्त मान लिया जाता है। सामान्यतः शरीर त्यागने के बाद मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु यदि कोई पृथु महाराज की भांति रहता है, तो इसी जीवन में वह मुक्त हो जाता है। कृष्ण चेतना में मनुष्य के कर्मों के फल भगवत इच्छा पर निर्भर करते हैं। निस्संदेह फल सर्वत्र ही व्यक्तिगत पटुता पर निर्भर रहती है, अपितु भगवत इच्छा पर निर्भर करता है। फल ब्रह्मणी संन्यास का वास्तविक महात्म्य यही है।
जो जीव भगवान की सेवा में अनुरक्त हो उसे अपने आप को कभी भी स्वामी या अधीक्षक नहीं मानना चाहिए। समर्पित भक्त को भक्ति योग के वर्णित विधि विधानों का अनुसार अपना कार्य करते रहना चाहिए। उसके कार्य के फल पूर्णतया भगवत इच्छा पर आश्रित रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति प्रपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण भ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद 22वें अध्याय 51वां श्लोक की चर्चा हो रही है। इस अध्याय का शीर्षक है चार कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। प्रसंग यह चल रहा है कि अभी पृथु महाराज के उपदेश चतुर्थ कुमार ने पृथु महाराज को उपदेश दिया। अब पृथु महाराज इन कुछ श्लोकों में यहाँ पर कैसे उनका जीवन समर्पित था, ऐसे मानो लगता है कि पृथु महाराज अपने गृहस्थ जीवन में बिल्कुल व्यस्त थे, परंतु यहाँ पर और वो जब उनसे कुछ देना चाहते थे चतुष कुमारों को तो वो कहने लगे कि सब कुछ तो आपका दिया गया है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पृथु महाराज अपने सारे साम्राज्य की संपत्ति के क्या क्रिया था, सब कुछ भगवान फलम ब्रह्मणि सन्यस्य, तो मतलब उन्होंने क्या किया था, सब कुछ समर्पित भगवान के लिए किया था। क्यों भगवान को किया था, क्योंकि सब कुछ उनका था। फलम ब्रह्मणि सन्यस्य निर्विशंग समाहितः। पूरे उन्होंने क्या किया था, सब जैसे हम कई बार यदि कोई अगर काम पे चले जाते हैं तो काम किसका कर रहे हैं, मालिक का, और मालिक उनको देखभाल कैसे कर रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करके थोड़ा बहुत धन देकर वगैरह। यदि वो नौकर मान ले कि मालिक का सब कुछ उसका है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मालिक का क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से भले ही यहाँ पर पृथु महाराज क्या दिखा रहे हैं कि वो बड़े राजा भले ही हो, वो
फिर भी वो जानते थे कि ये सब कुछ किनका है, भगवान का है, इन संतों का है। इसलिए उन्होंने क्या किया, पूरी तरह समर्पित कर दिया, समाहितः कर्म अध्यक्षम। उन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं सोचा कि ये अभी, कई बार क्या होता है किसी को दे दिया जाता है कुछ, आप ये करो, और वो व्यक्ति मान बैठता है कि सब कुछ मैं हूँ, सब कुछ मेरा है और मेरे कारण सब कुछ चल रहा है। तो कुछ देर, कुछ समय के बाद वो देख लेता है कि उसकी स्थिति बदल चुकी है। इसीलिए संसार में क्या होता है, कई बार व्यक्ति बड़ा हो जाता है और कभी वो धनहीन भी हो जाता है। यदि सब कुछ उसका है तो फिर उससे कैसे चला जाता है, इसका मतलब क्या है, वो किसी और का है। कुछ समय के लिए उन्होंने ऐसे कुछ कार्य किए हैं जिसको उनके 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 पास ऐसे कुछ विशेष विशेष चीज़ें आई हैं उनके शायद पुण्य के कारण। वो क्या करता है, वो उन फलों को वो क्या है, भोगना चाहता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे कुछ पुण्य कार्य किए हैं। परंतु फिर जैसे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, उनसे वो वस्तु छीन लिए जाते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है, वो ये जान ले कि सब कुछ भगवान का है और भगवान ही सबका देखभाल करते हैं। मैं उनकी सेवा के रूप में क्या करता हूँ, इस जिम्मेदारी को निभाता हूँ। एक बार एक मंदिर के अध्यक्ष को भक्तों ने गुणगान कर रहे थे, तो भक्त बोल रहे थे कि ये प्रभु जी ने बड़ा मंदिर बनाया। तो वो प्रभु जी बड़े बुद्धिमान थे, तो उन्होंने कहा कि भगवान ने इस मंदिर को बनाने के लिए मुझे चुना इस सेवा के लिए। तो ये बड़ा विशेष बात है। तो कभी कभी कुछ सेवाएं होती हैं जो भगवान किसी को चुनते हैं कि आप इसको कीजिए, परंतु क्या है, वो सेवा है। और उसके बाद क्या है, दूसरे सेवा के लिए भी चुना जाएगा आपको। तो इस तरह से ऐसी भावना से जब रहते हैं तो क्या करते हैं, नियंत्रण की भावना कि मेरे हमारे हमसे ये सारे चल रहे हैं, ये क्या होगा, इस ऐसे भ्रम से हम क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। तो ये समस्या इन पृथु महाराज को नहीं था, जबकि सब कुछ मतलब वास्तविक पृथ्वी के सम्राट थे वो, और भूमि देवी को भी दंडित करने का उनके अंदर सामर्थ्य था, इसीलिए तो सब कुछ वो ला पाए। फिर भी भावना क्या थी कि वो सारे फल भगवान को समर्पित थे और वे अपने आप को सदैव सर्वेश्वर श्री भगवान के दास के रूप में समझ रहे थे। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के में महाराज पृथु का जीवन कर्मयोग का सुंदर उदाहरण है। तो इसलिए इस संसार में क्या है, लोग का जब कर्म कार्य करते हैं तो विशेष करके बोलते हैं कि हम जब कर्म करते हैं तो भगवान को बाध्य होना पड़ता है, उनके फलों को देना ही होता है। और इस तरह से वो क्या करते हैं, सब कुछ उसी प्रकार से, क्योंकि हर चीज़ बदलाव होते जाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि बदलाव होते हैं इसलिए हमारे कार्य कम करते जाएंगे, उसके फलों को हम भोगते जाएंगे। इस तरह की विचारधारा को लोग लेके चलते हैं। क्या करते हैं, जैसे जैमिनी का सिद्धांत क्या है कि निरंतर चीज़ें प्रकृति में बदलती जाती हैं और हम क्या करते हैं, उनके फलों को भोगते हैं, फिर वो छूट जाते हैं, फिर भोगते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर इस तरह से निरंतर चलते रहते हैं। इसका कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसे नहीं है। वास्तविक क्या है कि यदि व्यक्ति जानता है कि अगर सब कुछ उसके नियंत्रण में है तो फिर बदलाव क्यों होता है। मतलब हर चीज़ क्या है, भगवान के नियंत्रण में चलता है। जबकि वह अवंती ब्राह्मण के जीवन में हम देखते हैं, है ना, 11वें स्कंद के में, वो जब जीवन काल में थे तो बहुत जब धनवान थे तो बिल्कुल वो क्या थे, बड़े कंजूस थे।
और जैसे जैसे, और लोग कंजूस को पसंद नहीं करते हैं, जो उदार है उनके पास रहना चाहते हैं लोग, है ना। और भगवान सबसे बड़े उदार हैं, जबकि सब कुछ उनका है, फिर भी वो जीवों को क्या करते हैं, मालिक बनने का एक चांस देते हैं इस भौतिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में प्रेमवश वहाँ के जो भक्त हैं वो भगवान का मालिक रहते हैं, क्योंकि भगवान ऐसे दासत्व स्वीकार करते हैं। और भौतिक जगत में क्या है, जीव क्या करते हैं, वो अपने आप को मालिक मानते हैं, और इसलिए वो कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, और कर्म फलों के बंधन में वो फंस जाते हैं। क्योंकि कोई भी कार्य का फल हमें मिलकर रहेगा। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म का क्या होता है, उसका प्रतिक्रिया में उसको मिलकर ही रहेगा। जैसे आप किसी गेंद को ऊपर फेंकेंगे तो वो क्या होगा, वापस आ जाएगा, है ना। तो उससे जैसे आपने किसी दीवार के अगर किसी चीज़ को फेंकते हैं वो वापस आ जाएगा। तो कोई भी और निष्क्रिय भी नहीं रह सकते बिना, तो हम कार्य करेंगे तो फल भोगना पड़ेगा, निष्क्रिय रहेंगे तो फल नहीं भोगना पड़ेगा, नहीं। कर्तव्य न करने का दंड आपको मिलेगा। कर्तव्य करेंगे अच्छे या बुरे, कार्य करेंगे अच्छा या बुरा, अच्छे बुरे फल मिलेंगे। नहीं करेंगे, निष्क्रिय रहेंगे तो क्या होगा, नहीं करने का दंड मिलेगा। तो श्रेयस्कर क्या है, हम कार्य करें। तो किस प्रकार के कार्य करें, भगवान बताते हैं तीसरे, यदि कार्य नहीं करेंगे, स्वयं भगवान भी अपने कर्तव्य करते हैं, और वो उदाहरण बताते जैसे जनक आदि उन्होंने अपने कैसे कार्य किया है। यदि यदि आचरिति श्रेष्ठस, ये उदाहरण बताते कि जो श्रेष्ठ जो लोग हैं वो कैसे कार्य करते हैं, साधारण जनता क्या करती है, उनके पीछे पीछे वो पालन करती है। तो उत्सी देही उरी में लोका न कुरियन कर्म चेद्यहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामि मम प्रजा। तो लोग क्या करेंगे, यदि भगवान ऐसे कर्तव्य नहीं करेंगे, इसीलिए भगवान वो अपने गृहस्थ जीवन को दिखाते हैं। और कृष्ण लीला में आप देखेंगे भगवान 3 बजे उठते हैं, और वो अपने सुबह स्नान आदि करके पूजा पाठ करते हैं। पूजा किनका करते हैं, स्वयं का करते हैं। और इस तरह से उनकी पत्नियां कोसती हैं भगवान को, कि भगवान उठ के चले जाते हैं। तो नियमित तौर पर भगवान को ऐसे कोई जोर नहीं है कि उनको उठना ही है। वो तो फिर लोग बोलेंगे भगवान ही सोते थे तो हम सो रहे हैं। इसलिए भगवान भी अपना कर्तव्य को करते हैं ताकि साधारण जीव भी इस चीज़ों को पालन करें। और किस इस तरह से भगवान तीसरे अध्याय में बोलते हैं कि हमें कार्य कर्म किस प्रकार के करने चाहिए, वो कर्म जो बंधन कारक नहीं है। मतलब क्या है उसका, हर कर्म को भगवान को जब हम समर्पित करते हैं तो क्या हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि सारे कर्मों फलों को भोक्ता कौन है, वो भगवान है। वास्तविक भगवान भोक्ता है, हम भोग्य हैं। हम ये बात को अगर नहीं जानते हैं फिर क्या होता है, हम बंधन में फंस जाते हैं। इसलिए 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण अनासक्ति के ऊपर एक अध्याय उनका है, और कार्यों को किस तरह से शुद्ध किया जाता है, उसको समर्पित किया जाता है, ऐसे किसको है, उद्धव गीत में भगवान उपदेश देते हैं कि किस तरह से हमें कार्यों को समर्पित करना चाहिए। और इस संसार में जब तक भगवान को समर्पित नहीं किया जाएगा वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए 18वें अध्याय का श्लोक में यहाँ पर बताते हैं प्रभुपाद, काम्यानाम कर्मणम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। बुद्धिमान समस्त कर्म फलों को के छोड़ने को त्याग कहते हैं। और भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, उसमें से एक ऐश्वर्य क्या है, वैराग्य। और लोग आकर्षित होते हैं वैराग्य से। सुंदर, सौंदर्यता, शक्ति, बल, ज्ञान, ऐश्वर्य और
वैराग्य। तो लोग कई बार भक्तों को देखते हैं, आप घर पे छोड़ के आ गए, तो यहाँ देखते हैं छोड़ने के लिए कुछ है नहीं, यहाँ बढ़िया सा सब सुविधा है, जो अच्छी अच्छी चीज़ देखना चाहते हैं वो है, अच्छी से अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना चाहते हैं वो भी है, अच्छी अच्छी चीज़ों को सुनना चाहते हैं वो भी है, सुनना चाहते हैं वो सब है। तो फिर त्यागने के लिए क्या है, त्यागने के लिए कुछ है नहीं, परंतु वो भी बड़ी बात है जो वो त्याग सकता है। हाँ, कई बार आश्रम में जो आते हैं ना, आप कैसे रहते हैं यहाँ पे कुछ दिन भर बिना काम किए कैसे रह सकते हैं, लोगों को बड़ा प्रश्न है कि इतना काम है कि यहाँ पे जो जो व्यवस्थापक है वो काम लगाते लगाते थक जाता है, इतना समाप्त नहीं होता। तो समस्या क्या है, कई बार कुछ भक्तों को बहुत जल्दी वैराग्य आ जाता है और वो त्याग के यहाँ जाते हैं। और एक बार एक भक्त यहाँ पर क्या पूरी तरह से घर को त्याग कर जल्दी आ गया, बच्चों को पति पत्नी के बीच में कुछ मनमुटाव हुआ तो घर छोड़ के यहाँ आ गए, तो वैराग्य आ गया, क्षणिक वैराग्य। तो उस वक्त क्या होता है कि भगवान बड़े तीव्रता से स्मरण होते हैं, जब घर में मनमुटाव होता है ना तो भगवान बड़े बड़े चिंतन अच्छा होता है एक्चुअली। फिर वो यहीं आ गए तो हमने कहा आइए प्रसाद वगैरह लीजिए रहिए, तो उन्होंने कहा मैं यहीं रहने के लिए आ गया प्रभु जी, तो आ जाइए, अच्छा हुआ, हमें भी लोग चाहिए ऐसे रहने वाले लोग जो पूरी तरह से पूरा दिन हमारे कार्य में लग सकते हैं, सेवा में लग सकते हैं। फिर एक दिन रहे, दो दिन रहे, फिर तीसरे दिन वो कहने लगे मेरा बच्चा है ना प्रभु जी ऐसे है, इतना छोटा है, और मेरे पत्नी भी ऐसे है, मेरा खेत है। मैंने बोला हाँ अच्छा है, अच्छा है, परंतु आप तो अभी इसके आगे तो छोड़ ही दिए हैं, तो आप यहीं रहेंगे अभी। फिर दो दिन रहे, तीन दिन रहे, पाँच दिन, छः दिन, छठे दिन हम ढूंढ रहे हैं प्रभु जी कहाँ हैं, देख ही नहीं रहे। तो फिर और पाँच दिन तक, छः दिन तक उन्होंने फ़ोन भी चालू नहीं किया था, बड़ा मतलब ये बड़ा तपस्या है। फिर एक छठे दिन को उन्होंने फ़ोन आया, प्रभु जी क्षमा कीजिए मैं बता के नहीं आया आपको, मैं घर पे वापस पहुंचा। तो हमने सोचा हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। तो हमने कहा कि पाँच छः दिन तक हम रहें, उसके बाद मुझे घर का बहुत याद आने लगा। तो मैंने कोई बात नहीं, कम से कम पाँच छः दिन का तो वैराग्य आपने पालन किया। तो क्या है कि त्यागने का जो समझ है उनको ये नहीं पता कि हर चीज़ को भगवान से जोड़ने को ही संन्यास है। हर चीज़ को क्या है, जब भगवान को जोड़ते हैं, जब हम हमारे पत्नी किन के हैं, वो भी भगवान के हैं, इसलिए गोपियाँ है ना। अभी कल क्योंकि संदर्भ में फिर अध्याय राजपंच अध्याय भागवत के, तो उसको मैं पढ़ रहा था, तो प्रभुपाद जी के कई सारे वहाँ पे प्रश्न है कि वास्तविक रासलीला क्या है। तो वास्तविक सारे गोपियाँ बहुत कम उम्र में विवाहित थी और चाहती थी कि वो फिर भी भगवान का संग चाहती थी। अब विवाहित स्त्री को दूसरों को चिंतन नहीं करना चाहिए पर पुरुष का, परंतु ये भगवान की जो नित्य परिकर है वो विवाहित होने पर भी वो पुरुष भी भगवान को चाहते हैं और वो स्त्री शरीर में जो गोपियाँ हैं वो भी भगवान को चाहते हैं और इसमें कोई दोष नहीं है। इस संसार में जब पति पत्नी होते हैं रहते रहते वो दूसरों पुरुष या स्त्री का चिंतन नहीं करना चाहिए, उसको अनैतिक माना जाएगा। इस संसार में नैतिक और अनैतिक होता है, आध्यात्मिक स्तर पर सब कुछ क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या बोलते हैं, परिपूर्ण होता है। आध्यात्मिक स्तर पर हर चीज़ परिपूर्ण होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर यदि कोई विवाहित भी है फिर भी वो कृष्ण को ही चाहते हैं, क्योंकि उनमें कोई ऐसा संबंध नहीं होता जो इस संसार में जैसे होता है। इसलिए यहाँ पे चीज़ों को त्यागने की बात कही जाती है।
आध्यात्मिक जगत में कोई चीज़ त्यागने जैसे है नहीं, क्योंकि सब कुछ तो भगवान का है और सब जीव क्या करना चाहते हैं, सब कुछ भगवान को अर्पित करना चाहते हैं। और भगवान भी ऐसे मालिक है जो सब कुछ अपने पास नहीं रखना चाहते हैं। इस संसार में मालिक क्या करते हैं, सब चीज़ वो अपना मानकर अपने पास ही रखते हैं और थोड़ा बहुत नौकर को दे देता है, रहो तुम कर रहे हो ना सेवा, और वो भी वफादार नौकर हो तो उनको क्या करते हैं, उनको दे देते हैं, नहीं तो वफादार नहीं है तो क्या करते हैं मालिक, उनको हटा देते हैं। परंतु भगवान ऐसे मालिक है जो इस संसार में हम उनको क्या है, उनसे अलग रहकर भोग करना चाहते हैं फिर भी सुविधा प्रदान कर रहे हैं, रहो तुम। परंतु भगवान इतने कृपालु हैं, वो जानते हैं कि ऐसे कर्म ये जीव जब करेगा तो क्या हो जाएगा, बहुत दुख भुगतना पड़ेगा। इसलिए भगवान ऐसे फिर शास्त्रों को देखकर महान भक्तों को भेजकर जीव को फिर भी मुक्त करना चाहते हैं। और आध्यात्मिक स्तर पर ऐसे कार्य होते ही नहीं हैं। इसलिए भगवान 11वें स्कंद के 10वें अध्याय में कहते हैं कि श्री भगवान उवाच मयोदितेषु अवाहितः स्वधर्मेषु मदाश्रयः वर्णाश्रम कुलाचारम अकामात्मत्म समाचरेत। वो कहते हैं कि भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि वो पूरी तरह से मन को एकाग्र करके मेरी सेवा में यदि कोई लगता है, इस तरह से अभ्यास करता है अपने वर्णाश्रम के नियमों को पालन करते हुए, वो क्या होता है, इस तरह से अभ्यास करने से वो मुक्त हो सकता है। इसलिए दो प्रकार की आत्माएं बोलते हैं ना, बद आत्मा और मुक्त आत्मा। तो मुक्त आत्मा कौन होते हैं, जो क्या करते हैं, सब चीज़ों को जब समर्पित करते हैं वो क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है, नौकर सब कुछ मालिक का मानते हैं तो फिर नौकर को क्या होता है, कोई चिंता नहीं होता। मालिक क्या करते हैं, वो सबका उनका देखभाल करते हैं। कई बार आप देखेंगे मालिक को ज़्यादा चिंता होता है, मालिक बहुत इस संसार में मालिक क्या करते हैं, सब कुछ परिश्रम करते हैं और नौकर वो महल में रहते हैं। मालिक दिन भर महल मालिक ने बनाया है, नौकर मालिक का भोग कर रहा है, मतलब मालिक के सब सुविधाओं को भोग कर रहा है। क्यों, क्योंकि मालिक को समर्पित है और मालिक को बहुत सारी जिम्मेदारी होती है इस संसार में। परंतु भगवान ऐसे नहीं है, भगवान को ऐसा कोई मतलब ज़्यादा यह नहीं होता, मानसिक तनाव नहीं होता कि अभी ये संसार को चलाऊँगा कैसे, भगवान ऐसे नहीं है। नतस्य कार्यम कारणम च विद्यते न च समस्य अधिकस्य दृश्यते पराश्य शक्तिर विविधैव श्रीयते स्वाभाविक ज्ञान बलक्रिया च। भगवान की व्याख्या क्या है, उनको कोई काम नहीं है, नतस्य कार्यम, वो कार्य कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है उनको, फिर भी वो करते हैं। नतस्य कार्यम, फिर उनका कोई कारण नहीं है, फिर कौन है वो उनके कारण। कई बार बोलते अभी भगवान से पहले भगवान को कौन जन्म दिया, स्वयं भगवान को कौन जन्म दिए, वह स्वयं है। इसलिए भगवान का नाम एक क्या है, स्वयं। कई बार किसी के बच्चे का नाम रखते हैं स्वयं, वो नाम स्वयं है लेकिन उसका कोई स्वयं नहीं है, उसके माँ बाप है। लेकिन भगवान क्या है, वो स्वयं ही है, और एक ही मात्र स्वयं हो सकते हैं और दूसरा कोई स्वयं नहीं। नतस्य कार्यम कारणम, उनका कोई कारण नहीं है। और उनका कोई समान है क्या, नहीं। और उनसे कोई अधिक है, नहीं। फिर चलता कैसे है, वो कार्य नहीं करते हैं, फिर उनसे हर कार्य कैसे चलते हैं, उनकी अनेक शक्तियाँ हैं। उनकी क्या है, वो अनेक शक्तियाँ हैं और उनकी शक्तियाँ केवल उनके इशारे मात्र से ही, इशारा भी नहीं, केवल भगवान सोचते हैं, भगवान ने सोचिए चलो अभी सृष्टि हो जाता है। सृष्टि कैसे होता है, उनकी शक्तियाँ कार्य करती हैं। और यहाँ हम संसार में हम सोच तो सकते हैं, हमारी शक्ति से कुछ नहीं होता, हमें स्वयं उठकर जाना पड़ेगा। और ऐसे भगवान
बोलते हैं कि इस संसार में कुछ चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, त्यागने का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग क्या है, त्यागना। और त्यागने का मतलब क्या है, कई बार अति त्याग करने से हृदय कठोर हो जाता है और अति चीज़ों को संग्रह करने से क्या होता है, व्यक्ति आसक्त हो जाता है, भोग में लिप्त हो जाता है। तो भक्ति मार्ग दोनों के बीच वाला मार्ग है, न भोग न त्याग, न अति भोग न अति त्याग। क्या करते हैं, जितना उपयुक्त शरीर को और मन को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, शरीर को जो भी संसाधन या सुविधाएं देते हैं और सब कुछ भगवान को समर्पित करते हैं, इसलिए हम प्रसाद अर्पण करते हैं। जैसे अभी है ना, ये भगवान का माला है, भगवान को अर्पित माला है, इसलिए हम इसको धारण करते हैं। भगवान का प्रसाद है ना, भगवान के वस्त्र, भगवान का जो भगवान को जो अर्पित भोग है, जैसे खाद्य पदार्थ है, उसको प्रसाद के रूप, ये भी प्रसाद है। प्रसाद केवल खाद्य पदार्थ नहीं है, प्रसाद क्या है, जो सब कुछ भगवान को अर्पित करते हैं वो सब क्या है, वो प्रसाद है। वास्तविक सब कुछ उनका है, उनसे यदि आया है तो सब कुछ क्या है, वो प्रसाद है। तो फिर हम अर्पण करते क्यों, फिर सब कुछ यदि प्रसाद है तो अब हम क्या है, हम भोक्ता के रूप में संसार में कार्य कर रहे हैं, फिर कुछ चीज़ों को हम भोग के रूप में भगवान को अर्पित करते हैं और धीरे धीरे हर चीज़ को क्या करते हैं, ये सब कुछ भगवान के लिए, सारे संसाधन है भगवान की सेवा के लिए अर्पित है, ये जब हम देखते हैं तो फिर क्या हो जाता है, वो विशेष हो जाता है। इसलिए कोई भी चीज़ों को, वास्तविक यदि सब कुछ है तो प्रसाद ही है ना, सब कुछ भगवान से आता है तो प्रसाद है, परंतु हम इस अवस्था में, बद्ध अवस्था में हम क्या देख रहे हैं, हम ये चीज़ हमारे भोग के लिए बना हुआ, इस दृष्टि से जब देखते हैं फिर कोई भोग या प्रसाद के रूप में उसको अलग अलग चीज़ करते हैं। तो कई बार लोग क्या करते हैं, वो श्लोक है ना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणोत्थम ब्रह्मेण तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः, मतलब वो क्या है उसका अर्थ, एक दृष्टि से वास्तविक भगवान क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये सब कुछ मेरा है, मुझे अर्पित करो। तो जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं तो भगवान खाते कैसे हैं, है ना, अर्पण करने करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दिन हम भी वो बन जाएंगे, इस भाव से वो अर्पण करते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, एक अच्छा है कि वो समर्पित करते हैं भगवान को, साकार रूप को नहीं मानते हैं, समर्पित करते हैं, लेकिन किनको कर रहे हैं ये ऐसे कोई विशेष चीज़ को नहीं जानते। इसलिए भगवान का एक स्वरूप है, भगवान का एक स्वरूप है, और ऐसे नहीं तो फिर देखिए, इतना सब यहाँ पर हम रोज़ आ रहे हैं, ये मालाएं बन रहे हैं भगवान के लिए, श्रृंगार किया जा रहा है विग्रह के लिए, भोग बनाया जा रहा है भगवान के लिए, मंदिर को सजावट किया जा रहा है भगवान के लिए, भगवान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, हर चीज़ भगवान के केंद्रित होने की वजह से वो दिव्य बन जाता है। फिर त्यागने की बात नहीं आती है, त्यागने की बात कब आती है, जब हम इस बात को नहीं मानते हैं कि ये भगवान का है या नहीं, और कई जन्मों तक हम इस बात को देखते आए हैं, भोग करके 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 करके, फिर एक बार समझ में आता है, इतना भोग करने पर भी मैं केवल क्या कर रहा हूँ, दुख को ही भोग रहा हूँ, क्योंकि वो एक क्या है, कर्मों का एक चेन है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जीव दुख भोगते ही रहता है। इसलिए फिर सिद्धांतिक दृष्टि से ये बात को जब जान लेता है तो व्यक्ति धीरे धीरे व्यक्ति को क्या करता है, भगवान को समर्पित करता है कार्यों को। कभी कभी हम जैसे भौतिक अवस्था में जो लोग होते हैं,
जो भगवान को नहीं मानते हैं वो काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने आप उनको भोगना चाहते हैं। और पूरी तरह से जब तक यदि हम शुद्ध नहीं होते तभी हम क्या करते हैं, काम कार्य क्यों करते हैं, कार्य करते करते थोड़ा बहुत भगवान को भी दे देते हैं। चलो जी, कई बार पति बोलता है अजी सुनो आज पकौड़ा बनाओ। क्यों? और वो पकौड़ा बना वो खाते खाना भी चाहते हैं पकौड़ा, फिर वो क्या करते हैं भगवान को भी इसी बहाने भोग लगा देते हैं। वो उससे भी वो निचले अपने भोगने वाले से भी वो थोड़ा बहुत श्रेष्ठ है, परंतु भगवान के लिए बनाना। अभी हाल ही में हम कुछ जगह पे गए थे तो वो भक्त बोल रहे थे प्रभु जी हम लोग क्या करते हैं सब अपने घर से डब्बा लेकर आकर भगवान को भोग लगाते हैं। तो हमने कहा वो अच्छा है आप कर रहे हैं क्योंकि आप रोज़ वैसे भी आपको खाना ही है, अब इसलिए आप बना ही देते हो और इसी बहाने भगवान को भी दे देते हो। भगवान ऐसे नहीं चाहते हैं, केवल भगवान चाहते पहले उनके लिए ही बने। इसीलिए मंदिर का मेनू है ना वो भगवान के लिए ही बनता है। इसीलिए मंदिर में भी कई लोगों को क्योंकि हर चीज़ भगवान के लिए बनने की वजह से और वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से वो दिव्य हो जाता है। इसलिए मंदिर में रसोई किनका होता है, आप ऑर्डर नहीं दे सकते कि ये पकौड़ा आज बनाओ, वो भगवान के लिए बनेगा और उसी में से पकौड़ा यदि है तो आप ग्रहण कर लीजिए। हाँ, भगवान के लिए सब कुछ मंदिर में क्या है, अभी मालाएँ किन के लिए बन रही, भगवान के लिए। तो हर चीज़ ऐसे है क्या घर पे कोई ऐसे, अभी पत्नी भी वो है ना पति को मालिक के रूप में इस तरह से सेवा करती है। हाँ, और क्योंकि पति तीन ही बार खा सकते हैं उससे ज़्यादा नहीं खा पाएगा ना, भगवान कितने बार खाते हैं ग्रहण करते हैं भोग, भगवान को कितने बार भोग लगाते हैं हम मंदिर में, 7 बार भोग लगाते हैं, पूरी में इतनी बार वो ग्रहण करते हैं भगवान। अभी एक भोग अभी बाहर जा ही रहा है, दूसरा भोग अंदर आ रहा है और वहाँ बैकअप करने वाले जैसे हम मंदिरों में बैकअप करते करते बैक चला जाता है उनका। पूरी में क्या है इतने सेवक हैं वो अंदर भोग लाने का ही बड़ा एक कार्यक्रम है और बैकअप कार्यक्रम नहीं है, बैकअप आनंद बाजार है बैकअप का, भगवान का बैकअप एक बड़ा बाजार है। तो भगवान जब भोग लेते हैं जीव देखकर बेहोश हो सकता है, ऐसे भगवान है। इसलिए भगवान क्या है वो बड़े कृपालु हैं, इतने बड़े भोक्ता होने पर भी वो जीव को पालन करते हैं। तो जीव शुद्ध अवस्था में कोई चीज़ त्यागने की आवश्यकता नहीं है और भौतिक जगत में ही चीज़ों को त्यागने का प्रशिक्षण दिया जाता है, आध्यात्मिक जगत में कोई त्यागना है त्यागते ही नहीं, वो भगवान को ही बोलते हैं ये कौन बड़ा है हम और ये समान है, ऐसे उनके मित्र बोलते हैं भगवान को। वो उतना ही नहीं वो भगवान के बाप भी बन जाते हैं और भगवान को भी आनंद मिलता है इससे, तो त्यागने का बात कहाँ आता है। और इससे विस्मित हो जाते हैं संसार में लोग, ये भगवान का भी माँ बाप थे उसको उल्टा रूप में लेते हैं संसार में, भगवान को भी ऐसे माँ बाप हैं उनको भी अपना परिवार चलाना पड़ा, उनको भी कितना दिक्कत हुआ, हाँ ये उसको उल्टा तरीके से लेते हैं लोग। भगवान की दिव्य लीलाओं को मानवीय स्तर पर देखकर वो क्या करते हैं, वो अपराध करते हैं। इसलिए महान भक्तों के दृष्टि से हम शास्त्र को जब पढ़ेंगे तो कितने तो हम ऐसे गृहस्थ जीवन में भी रहते रहते क्या कर सकते हैं, वैराग्य का पालन कर सकते हैं। और कितने सारे हमने भक्तों को देखा है जो अभी भी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत से जुड़े हैं, बहुत धन है उनके पास, बहुत बच्चे हैं पत्नी हैं और इतने निरासक्त हैं, बिल्कुल मतलब पूरी तरह से भगवान को समर्पित है। तो संन्यास का मतलब क्या है, केवल चीज़ों को त्याग कर दूर रहकर केवल उनका चिंतन करना नहीं, वो स्थिति केवल त्यागने की बात नहीं है, वो जैसे है ना कई बार होता है संसार में नौकरी मिलता है ना लोगों को तो क्या करते हैं वो अपना
क्रमशः उनकी क्या होता है, प्रगति होती जाती है, उनको प्रमोशन मिलता है। इसी प्रकार से संसार में भी प्रशिक्षण से संन्यास नहीं बनता, वो है, वहाँ पहुँच चुका है, अनेक जन्मों का उनका वैराग्य और भगवान के प्रति आसक्ति होने की वजह से वो वहाँ पहुँच चुका है, अब ही नहीं पहुँचेगा वो। और इसकी वजह से उतनी शरणागति, उतना स्मरण, उतना चिंतन वो कर पाता है। हम क्या करते हैं, हम अभ्यास करते करते अपने हृदय को क्या करते हैं, कृष्ण भावना में बनाते हैं। उस वक्त जो भी चीज़ हमारे पास है उनको त्यागने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कम से कम वस्तुओं से हम क्या रहते हैं, और इसलिए वैराग्य से प्रति लोग आकर्षित हो जाते हैं। वैराग्य भी एक क्या है, वो ऐश्वर्य है, और इसलिए लोग क्या होते हैं, ऐसे वैराग्यों के पास लोग आकर्षित, उनके पास कुछ है नहीं, और बाबा के पास बड़ा छोटा सा कुटीर है, अपना ही कमंडलू है, फिर भी लोग लाइन में लगकर वो तो बाबा के पास जा रहे हैं। हम इनके पास बड़े बड़े गाड़ी वाले, आजकल क्या होते हैं, बड़े बड़े गाड़ी वाले वो ऐसे बाबा के पास जाते हैं, तो बाबा के पास कुछ भी नहीं है, इसके पास सब गाड़ी है, धन है, फिर बाबा के पास क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बाबा के पास क्या है, भगवान का नाम है। और वो क्या करते हैं, वो नाम की वजह से इस संसार को बाबा बचा पाता है और अपने आप को भी बचा पाता है। इसलिए ऐसा वैरागी थे वो महाराज पृथु, सब कुछ उनके पास था, फिर भी वो उससे क्या थे, निरासक्त थे। तो ऐसे अवस्था को क्या माना जाएगा, संन्यास माना जाएगा। गृहस्थ आश्रम में भी रहकर भी उसको क्या माना जाएगा, संन्यास माना जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में विग्रह सेवा के बारे में तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हर कार्य को क्यों इस तरह से प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्योंकि पारिवारिक जीवन में बच्चे पत्नी के प्रति आसक्ति ज़्यादा होने की संभावना रहती है, है ना। और बच्चा भी बिल्कुल ऐसे निस्साय रूप में रहता है कि बच्चा है ना, बार बार माता पिता के आश्रय में वो रहता है, और माता पिता भी वो आसक्त हो जाते हैं बच्चे से, और ऐसे अवस्था में कैसे निरासक्त हो सकते हैं, वो विग्रह के लाते हैं, और ये बच्चा भी विग्रह की तरह होता है ना, घर पे नहलवाते हैं, नाक से गंदी चीज़ निकलते पहुँचते हैं, भगवान को ऐसे नहीं निकलता है, पर हमारे तो इतना सेवा करने पर भी वो विग्रह एक दिन निकल जाता है अमेरिका। परंतु ये विग्रह है वो निरंतर सेवा देते हैं, स्नान करवाते हैं तो तीर्थ देते हैं, भोग लगाते हैं तो महाप्रसाद देते हैं, और श्रृंगार करने से हम सुंदर हो जाते हैं। तो ऐसे विग्रह की सेवा करते करते ऐसे विग्रह के प्रति आसक्त हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, वो विग्रह भी नहीं छोड़ना चाहते ऐसे सेवक को। हाँ, ऐसे कहीं ऐसे उदाहरण है जहाँ विग्रह ने कहा कि तुम ही सेवा करोगे मेरा, और वो छोड़ना चाहते हैं, फिर भी भगवान नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि भगवान भी आसक्त हो जाते हैं ऐसे भक्त की सेवा से, प्रेमवश। तो ऐसे जो आसक्ति है उसको वैरागी की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए भक्ति विशेष करके श्रेष्ठ है, और भक्ति अन्य स्तरों या पदों पर आश्रित नहीं है, वो अपने आप में स्वतंत्र है। और यदि ऐसी अवस्था में भक्ति करते हैं, आरंभिक अवस्था में वैराग्य करते करते जब आसक्त हो जाते हैं, फिर वो क्या है, वो परिपूर्णता माना जाएगा। तो ऐसे परिपूर्ण स्तर पर पृथु महाराज थे, ये यहाँ पर वर्णन है। यहाँ पे हम विराम देते हैं, आपके कोई प्रश्न टीका टिप्पणी है तो कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।